नमस्कार दोस्तों, मेडिटेशन को अपनी लाइफ का सेंट्रल पॉइंट बनाइए, वो बहुत जरूरी है। और सेंट्रल पॉइंट बनाने के साथ साथ आप क्या करिए, अपनी जिंदगी में प्रैक्टिकल भी बनिए, इमोशनल नहीं बनिए। मेडिटेशन भी कीजिए और उसके साथ में प्रैक्टिकल भी बनिए, दो चीजें कीजिए आप, इमोशनल मत बनिए। मेडिटेशन और प्रैक्टिकल ये बहुत जरूरी है। जब आप मेडिटेशन करते हैं तो क्या होता है, आपकी इंटरनल पावर बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। अब मेडिटेशन करते करते इमोशनल मत जाना आप, नहीं तो बहुत सारे नुकसान पैदा हो जाएंगे आपको। अक्सर मैंने देखा जो लोग मेडिटेशन करते हैं वो सेंटिमेंटल अगर हुए तो भारी लॉस उठा लेते हैं। वो कैसे लॉस उठाते हैं, क्योंकि आप मेडिटेशन करो तो आपका माइंड धीरे 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 खाली होता चला जाता है। और आप सेंटिमेंटल हो तो आप कोई बुरी घटना देख लेते हो, कोई अनहोनी देख लेते हो, किसी ने कुछ बुरा देख लिया तो आप उसको दिल से लगा लेते हो, वो बात आपके माइंड में स्टकअप हो जाती है और जीवन में अहित होना शुरू हो जाते हैं। ये अक्सर मैंने देखा है, मेडिटेटरों को ज्यादा नुकसान उठाते हुए देखा मैंने जिंदगी में। किसकी वजह से, इमोशनल होने की वजह से। प्रैक्टिकल बनो आप। इमोशंस पता है क्या आपको, इमोशंस को हिंदी में बोलते हैं भावनाएं। और भावनाएं क्या है, मन का ही सूक्ष्म रूप है। देखो, अगर आपको मैं गाली दे दूं ना तो गुस्से के भाव आएंगे, आपकी प्रशंसा कर दूं तो आपके अंदर अहंकार के भाव पैदा हो जाएंगे, अरे वाह मैं सबसे अच्छा, किसी ने बोल दिया मुझे, अरे वाह क्या दिख रहा हो, क्या हेयर स्टाइल है, क्या ड्रेस है आपकी, तो क्या होता है, ईगो डेवलप होता है हमारा। किसी ने गुस्सा कर दिया, थोड़ी सी इंसल्ट कर दी तो क्या होता है, हमें अपनी इंसल्ट फील होने लगती है। तो जैसी बातें करें वैसे इमोशंस हमारे अंदर पैदा हो जाते हैं। तो यानी कि इमोशंस को समझो, ये क्या है, मन का सूक्ष्म रूप, भावनाएं विचारों का सूक्ष्म रूप रहती हैं। और मेडिटेशन का मतलब होता है मन से मुक्त हो जाना, इमोशंस से फ्रीडम पा लेना, यही तो है मेडिटेशन। लेकिन मेडिटेशन को हम गलत ढंग से समझ लेते हैं और गलत ढंग से समझ कर मेडिटेशन करके और सेंटिमेंटल हो जाते हैं, तो मालूम पड़ा बीमारियां बढ़ गई, 10 साल से विपस्ना करो और अस्थमा हो गया। ऐसा देखा होगा आपने, ऑब्जर्व करना, जोर नहीं बोल रहा, जो मैंने प्रैक्टिकली देखा ना वही आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। विपस्ना कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, लंबे लंबे ध्यान कर रहे हैं और बीमार हैं बुरी तरह से, और गरीब हैं, और फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहा है लाइफ में। ऐसा इसलिए हो रहा है सिर्फ क्योंकि आप इमोशनल हो, प्रैक्टिकल नहीं हो। प्रैक्टिकल बनो आप, प्रायोगिक बनो, भावनाओं को समझो और उनसे मुक्त हो जाओ। मैं ये नहीं कह रहा कि आप लोगों की मदद नहीं करो, जहां सेंटिमेंटल होने की जरूरत है वहां करो, जहां लोगों की हेल्प करनी है वहां करो, उसके लिए नहीं रोकता। आप मेडिटेटर होकर तो आप लोगों की ज्यादा हेल्प कर सकते हो और उससे भी ज्यादा अपनी भी हेल्प कर सकते हो। जो अपनी मदद नहीं कर सकता वो दूसरों की कैसे मदद करेगा, जो अपने आप को स्वस्थ नहीं बना सकता उसे दूसरों को स्वस्थ बनाने का कैसे मौका मिलेगा। आप हेल्दी होगे, आप फिट होगे, तभी तो दूसरों की हेल्प कर पाओगे। आप ही रिच नहीं हो, आप ही के पास पैसे नहीं हो, तो कैसे दूसरों की मदद करोगे। तो सबसे पहले अपने ऊपर ध्यान दो, अपने आप को डेवलप करो, विकसित करो। तो मेडिटेशन करो, इमोशनल मत बनो, प्रैक्टिकल बनो। फिर आपको क्या होगा, वो चेंजेस देखने को मिलेंगे जो आप जिंदगी में देखना चाहते हो। समझ रहे हो ना बात आप, मेडिटेशन करके अगर आप अपनी लाइफ को सचमुच बदलना चाहते हो तो इसके साथ में एक वर्ड और जोड़ दो आप, कि मुझे प्रैक्टिकल भी बनना है। जिस दिन आप प्रैक्टिकल बनना शुरू कर दोगे उस दिन से आपको बेनिफिट्स मिलना शुरू हो जाएंगे, नहीं तो क्या होगा, हर जगह इमोशनल ब्लैकमेल होते रहोगे आप। यही हुआ सारी जिंदगी अभी तक। ये जो हम बोलते हैं ना, हमने जिंदगी में बहुत धोखा खाया, हमने लोगों की बहुत मदद करी और लोग हमें चीट करके निकल गए, लोग हमें ठग कर निकल गए, लोग हमारे इमोशंस का फायदा उठाकर निकल गए। बेचारे छोटे छोटे लोगों को मैंने देखा है जो 10-20 हजार रुपए कमाते और लाखों रुपए उन्होंने इमोशंस में आके किसी को दे दिए और वो लोग लेकर भाग गए और देते ही नहीं, चीटिंग करके चले गए। वो हर्ट होते हैं, सारी जिंदगी रोते रहते हैं कि हमें धोखा मिला। अब जो हुआ वो हुआ, जो पास्ट में बीत गया वो हो गया, उसको रिपीट करके उसको बार बार याद करके कोई फायदा नहीं होने वाला। जो धोखा खा चुके वो खा चुके, कम से कम आप आगे तो मत खाओ। तो धोखा नहीं खाओगे तो कब नहीं खाओगे आप, जब आप सेंटिमेंटल नहीं होगे, कोई आपको मूर्ख नहीं बना पाएगा। देखो, किसी की मदद करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन किसी से मूर्ख बनना बहुत खराब बात है। कोई आपको बेवकूफ बना के आपका धन हड़प ले, आपका लॉस कर जाए, आपको यूज करके चला जाए, वो अच्छी बात नहीं। आप कैपेबल हो और आप अपने इमोशंस को किसी के हेल्प करने में यूज करते हो, वो एक अच्छी बात है। जब किसी को पैसे देना, जब किसी के काम आना, तो अपने माइंड में ये मत रखना कि अब मैंने इसको 10 रुपए दिए और ये मेरे 10 रुपए वापस कर देगा। नहीं, ये सोचकर करना कि मैंने 10 रुपए इसको इसलिए दिए क्योंकि इसे जरूरत थी और मेरे पास थे, अब ये वापस नहीं करेगा। जब ये सोचकर हेल्प करोगे तो क्या होगा, आप दुखी नहीं होगे, और उतनी ही हेल्प करो जितनी चाहे, जितनी आपकी क्षमता है। ये नहीं उधार मांग के दोस्त की हेल्प कर दी, बॉयफ्रेंड को दे दिए, गर्लफ्रेंड को शॉपिंग करवा दी और मालूम पड़ा कर्जे में आ गए, सर से पैर तक और बाहर ही नहीं निकल पा रहे। ये बातें इसलिए शेयर कर रहा हूं क्योंकि रोजमर्रा इस तरह के फोन कॉल्स आते रहते हैं कि सर इतने लाख का लॉस हो गया,
बॉयफ्रेंड टोपी पहना के निकल गया, गर्लफ्रेंड चूना लगा के निकल गई, क्लोज फ्रेंड ने इतने इतने रुपए का लॉस दे दिया, ये रोज सुनता रहता हूं मैं। तो जब आप प्रैक्टिकल बनोगे तो क्या होगा, आप इस तरह से इमोशनल ब्लैकमेल नहीं होगे। जब आप प्रैक्टिकल बन जाओगे तो आप सचमुच में रियल पर्सन, जो नीडी पर्सन है, उनकी हेल्प करोगे। तो जब आप उनकी हेल्प करोगे तो आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगा, जरूरतमंद को जब आप चीज दोगे तो उसकी जरूरत भी पूरी होगी। नहीं तो क्या होगा, आपको इमोशनल फूल बनाकर कोई भी आपके ढेर सारे पैसे हजम कर जाएगा और वो उससे गुलछर्रे उड़ाएगा और मौज करेगा, और आप क्या करोगे, सिर्फ बैठकर अफसोस करोगे। तो इमोशनल मत बनिए, मेडिटेशन कीजिए, प्रैक्टिकल बनिए और जिंदगी में फिर वो मुकाम हासिल कीजिए जिसका आप इंतजार कर रहे हैं, जिन सफलताओं की आप राह तक रहे हैं बरसों बरसों से, वो सब मिलने लगेंगी आपको। मुझे उम्मीद है मेरी वीडियो आपको बहुत हिंट देते होंगे जीवन को समझने में। अगर अच्छे लगते हैं तो थम्स अप का बटन दबाकर लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए, और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो चैनल तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।